आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। सरकार के कई दावों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बाहर तो दूर, अब लड़कियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला रायबरेली जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरा सुखा मजरे सिकंदरपुर गांव का है, जहां घर में सो रही एक 16 वर्षीय किशोरी और उसके भाई पर एक सरफिरे प्रेमी ने एसिड डाल दिया और रफू चक्कर हो गया। बता दें कि पीड़िता और उसका भाई घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे, तभी गांव के पास के ही रहने वाले युवक बबलू लोधी दोनों पर तेजाब से हमला कर मौके से फरार हो गया। गंभीर हालत में दोनों भाई बहन को जिला अस्पताल लाया गया। उनकी हालत इतनी ज़्यादा नाजुक थी कि उन्हें तुरंत ही लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। हाँ, अभी दो पेशेंट आए थे, बर्न इंजुरी था उनको, कुछ अकॉर्डिंग टू अटेंडेंट के अनुसार केमिकल बर्न इंजुरी था, बाकी ये सीएससी महाराजगंज से रेफर किया गया था। बाकी जो एक आया था लड़का, करीब अमन नाम का लड़का था, जिसकी उम्र 12 साल थी, और एक उसकी बहन थी जो किरण, करीब 17 साल की थी। बाकी जो किरण थी वो सीरियस थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी, बहुत ज़्यादा उसकी बर्न इंजुरी थी, जिसको मैंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद से अपने सर्जन साहब को आए, डॉक्टर जे के लाल सर ने देखा, देखने के बाद से उसको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। बहुत सीरियस कंडीशन था, उसके साथ में बच्चे को भी रेफर किया गया, बच्चा भी कुछ सीरियस था ही, लेकिन उसको भी रेफर कर दिया गया मेडिकल कॉलेज के लिए। एसिड अटैक की सूचना पर एसपी और एडिशनल एसपी सहित थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। तेजाब के हमले से झुलसे बच्चों के पिता का कहना है कि रात के 1:30 बजे के लगभग यह घटना को अंजाम दिया गया। जब मेरे बच्चे बाहर सो रहे थे, तभी उनके ऊपर तेजाब डालकर आरोपी फरार हो गया। रात में 1:29 पर कुछ खटपट की आवाज़ आई, तो हमने टार्च लिया और आर बगल घर के देखना शुरू कर दिया। हमका हो सकता है भादो महीना है, कोई चोरी वोरी, तो हमें कोई नहीं दिखा। उसके बाद हमने पानी पिया, पानी पी के करीब 10 मिनट के बाद हम लेट गए। उसके जैसे लेटे हम, जैसे उधर तोड़ दिया बोतल तेजाब का, मच्छरदानी के ऊपर थे सब बच्चे, हम लेकर के कुल्हाड़ी उल्हाड़ी दौड़े। हम कहा कोई जानवर हो सकता है आ जाए बाहर पौड़े, तो वहाँ देखा जला हुआ, हम कहा तेजाब किसी ने डाल दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तेजाबी हमले में भाई बहन काफ़ी हद तक झुलस गए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़िता व आरोपी बबली लोधी के बीच दोस्ती थी और फिर दोनों की बातचीत भी होती थी। वहीं पीड़िता की कही और शादी की बात चल रही थी, जिससे आक्रोशित आरोपी ने घटना को अंजाम दिया है। थाना महाराजगंज के एक गांव से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक भाई बहन जो अपने घर के बाहर सो रहे थे, उन पर एक व्यक्ति ने एसिड फेंक दिया है। इस संबंध में वादी के तहरीर पर थाना महाराजगंज पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा नामजद अभियुक्त बबलू लोधी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ में अब तक यह बात प्रकाश में आई है कि वादी की पुत्री और बबलू लोध के बीच में बातचीत हुआ करती थी और पिछले कुछ दिनों से वादी की पुत्री की शादी की बात कहीं चल रही थी, जिसके संबंध में बबलू लोध द्वारा विरोध प्रकट किया गया था और वादी को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। हिरासत में लिए गए अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। दोनों भाई बहन को बेहतर उपचार के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ सच का पहरेदार।